हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवर न्यू चैप्टर चैप्टर 5 ऑन पेज नंबर 27 प्लांट्स अराउंड अस। पौधे हमारे चारों ओर। लेट्स रीडिंग। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पौधे जीवित जीव है। एज अवर बॉडी हैज डिफरेंट पार्ट्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ए प्लांट आल्सो हैज डिफरेंट पार्ट्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे हमारे शरीर के अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग भाग होते हैं, वैसे ही एक पौधे के भी अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग भाग होते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। एक पौधे के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? रूट, जड़ और स्टेम, तना, ब्रांचेस, शाखाएं, लीव्स, पत्ते, फ्लावर्स, फूल एंड फ्रूट्स और फल होते हैं। प्लांट्स हैव टू मेन सिस्टम। पौधे के दो मुख्य सिस्टम है, द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। कौन कौन से? एक तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट का पिक्चर बनाया गया है। इसमें फ्लावर, लीफ, फ्रूट, ये है स्टेम और ये जो नीचे नीचे होता है इसको रूट बोलते हैं। रूट सिस्टम होता है नीचे वाला और ये ऊपर वाला जो सिस्टम है जिसमें फ्लावर, लीफ, फ्रूट एंड स्टेम आते हैं उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। बिलो सिस्टम तो हुआ रूट सिस्टम एंड अपर सिस्टम हुआ शूट सिस्टम। ओके, ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। अब देखिए द रूट सिस्टम, द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट इज बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रूट। अब इसमें बताया गया है एक पौधे का वह भाग जो पृथ्वी की सतह से नीचे होता है वह कहलाता है रूट, मतलब जड़ कहलाता है। रूट्स ऑफ ए प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल एंड सेंड देम अप टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। एक पौधे की जड़ें मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करती है। रूट्स आल्सो होल्ड प्लांट्स फॉर्मली टू द सोइल और उन्हें बाकी पौधों तक भेजती है। जड़ें भी मिट्टी को मजबूती से पकड़ती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम एंड फाइबर रूट सिस्टम। दो प्रकार के रूट सिस्टम में, एक तो टैप रूट और रेशेदार रूट, मतलब फाइबर रूट जो रेशेदार होती है। ये अब देखिए टैप रूट, ये टैप रूट है। द टैप रूट हैज ए थिक सेंटर एंड इट्स ग्रोस स्ट्रेट डाउनवर्ड्स। इसमें बताया गया है जो टैप रूट होती है, टैप रूट का एक मोटा केंद्र होता है और ये सीधे नीचे की ओर बढ़ता है। इट मै और मे नॉट हैव ब्रांच रूट्स। इसकी शाखाएं हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। स्मॉल हेयर लाइक रूट्स ग्रो फ्रॉम द साइड ऑफ ए टैप रूट। छोटे बाल जैसी जड़ें एक टैप रूट के किनारों से बढ़ती है। दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड रेट्रल एंड साइड रूट्स। इन शाखाओं को पार्श्व और साइड रूट्स कहा जाता है। द टैप रूट इज क्वाइट थिक बट इट्स ब्रांचेस आर मच थिनर। जो टैप रूट्स होती है वो काफ़ी मोटी होती है लेकिन इसकी शाखाएँ बहुत पतली होती है। रेडिश, टर्निप एंड कैरेट आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विथ ए टैप रूट। अब इसके एग्जाम्पल बताए गए हैं रेडिश और टर्निप एंड कैरेट, इसके प्लांट रूट के टैप रूट के एग्जाम्पल। इसमें पिक्चर बनाया गया है टैप रूट का। ये तो रूट सिस्टम का है, स्टेम, मैन रूट एंड साइड रूट, और ये टैप रूट का जिसमें स्टेम एंड रूट बताई गई है। ओके, अब है फाइबर रूट। कौन सी है? फाइबर रूट। Some plants do not have a main root. कुछ पौधों में मुख्य जड़ें नहीं होती है। Such plants have thin fiber like root of similar size. इस तरह के पौधों में पतले फाइबर जैसे समान आकार की जड़ें होती है। The fiber root has many branches that spread out sideways. रेशेदार जड़ में कई शाखाएं होती है जो बगल में फैली हुई होती है। It does not go. Now come to page number 28. It does not go very deep into the soil. ये बहुत गहरी मिट्टी में नहीं जाती है। This prevents soil erosion. ये मिट्टी के कटाव को रोकता है। All types of grasses have fiber roots. सभी प्रकार की घासों में रेशेदार जड़ें होती है। Rice and wheat are also type of grass and hence have fiber root. चावल और गेहूं में
भी घास के प्रकार है, उसकी इनकी रेशेदार जड़े होती है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट्स के इसमें फंक्शन बताए गए हैं। द रूट ऑफ ए प्लांट परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। पौधों की जड़ें कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। रूट फिक्स द प्लांट फॉर्मली ऑन टू द ग्राउंड। जड़ें पौधे की जमीन पर मजबूती से ठीक करती है। दिस प्रिवेंट द प्लांट फॉर्म बींग पुल्ड आउट इजीली और ब्लाउन अवे बाय द विंड। ये पौधों को आसानी से बाहर निकालने से रोकता है या हवा से उड़ा देता है। नेक्स्ट इज द एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। वे मिट्टी से पानी और खनिज अवशोषित करते हैं। दिस सब्सटेंस आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। पौधे की वृद्धि के लिए इन पदार्थों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है वी नीड द सोइल द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द सोइल फॉर ग्रोइंग हेल्थ क्रॉप्स एंड ट्रीज। हमें स्वस्थ फसलों पौधों पेड़ों को उगाने के लिए मिट्टी के सबसे उपजाऊ हिस्से की जरूरत होती है। रूट्स होल्ड द टैप सोइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड और वाटर। जड़ें पुष्ट को पकड़ती और इसे तेज हवा या पानी से दूर ले जाने से रोकती है। दस ए ट्री प्रिवेंट द सोइल इरोजन। इस प्रकार एक पेड़ मिट्टी के क्षरण को रोकता है। सो इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द टैप सोइल ड्यू टू द फोर्स ऑफ विंड और वाटर। इस प्रकार एक जड़ मिट्टी के क्षरण को रोकता है। मृदा अपरदन हवा या पानी के बल के कारण पुटिका का निष्कासन है। दे स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। वे पौधे द्वारा तैयार भोजन का भंडारण करते हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक कैरट रेडिश बीटरूट एंड स्वीट पोटैटो स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। अब इसमें बताया गया है पौधों की जड़ें जैसे गाजर मूली चुकंदर और शकरकंद के पौधे द्वारा तैयार भोजन इन जड़ों का भंडारण जड़ कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? दीज रूट्स आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स। इनको स्टोरेज रूट्स कहा जाता है। वी ईट दीज रूट्स और हम इन जड़ों को खाते हैं। क्या करते हैं? हम इन जड़ों को खाते हैं। इन जड़ों को क्या करते हैं? हम खाते हैं। ओके, नेक्स्ट डे रूट्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट। कुछ पौधों की जड़ें अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। टेक ए लुक एट ए बैनियन ट्री। बरगद के पेड़ पर नजर डालें। मैनी रोप लाइक ग्रोथ हैंग डाउन फ्रॉम इट्स बिगर ब्रांचेस। कई रस्सी जैसी विकास अपनी बड़ी शाखाओं से नीचे लटक जाते हैं। दिस हैंगिंग ग्रोथ आर स्पेशल रूट। ये हैंगिंग ग्रोथ खास जड़ें हैं। दे एक्ट लाइक पिलर्स एंड सपोर्ट द हैवी ब्रांचेस ऑफ द ट्री। वे खंबे की तरह काम करते हैं और पेड़ की भारी शाखाओं का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें एक तो पार्ट्स ऑफ प्लांट का पिक्चर बनाना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, थैंक्स।